जितना चाहो उतना खाओ, मात्र 150 में। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास्ता से, बहुत यम लग रहा है। फिर आगे आता है पुलाव, फिर आता है चावल, एंड फिर आता है क्रीमी गर्मा गर्म एकदम फ्रेश दाल मखनी। देखो कितनी लजीज लग रही है। फिर आता है मसालेदार कढ़ी, और ये छोले तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू इनकी बहुत अच्छी लग रही है, और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई जस्ट कांट वेट टू ट्राई। और ये शादियों की जान, शाही पनीर। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सैलेड आते हैं जिसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम, जो कि है रायता, और वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब सिर्फ 150 में। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। तो 2021 के आने की इतनी खुशी नहीं हो रही जितनी 2020 के जाने की हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यार कोरोना था, लॉकडाउन था, और फिर शादियाँ। मतलब यार सच्ची में मैं शादियों का वेट कर रही थी पूरी साल भर की, भाई शादी में जाएंगे, अनलिमिटेड खाएंगे। बट 2020 में 50 लोगों की लिस्ट में मेरा कहीं भी नाम नहीं था। बट 2021 में मैंने प्रण ले लिया है कि मुझे शादियों का वेट नहीं करना है। अब शादियों का सीजन तो आएगा एंड ऑफ द ईयर में, बट आज ही हम 2021 के फर्स्ट डे ही शादियों के खाने की एकदम फील लेने वाले हैं। अनलिमिटेड फूड खाने वाले हैं जी भर के। यस यू हर्ड इट राइट, अनलिमिटेड फूड इन द लिमिटेड प्राइस, जैसे हमारा शगन का लिफाफा होता है। तो हम इस वीडियो से हम अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ अनलिमिटेड फूड, जिसमें आपको दिल्ली के अलग अलग जेम्स मिलेंगे जहाँ पर अनलिमिटेड फूड मिलता है और बहुत अच्छा क्वालिटी का फूड मिलता है। तो आपको इसमें मुझे हेल्प करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा कि कहाँ का मैं ट्राई कर सकती हूँ। और इसके अलावा 2021 में धमाल वीडियोस आने वाली हैं, चाहे वो अनलिमिटेड फूड हो, चाहे गिव अवेज हो। यस गिव अवे भी सोच रखे बहुत अच्छे अच्छे तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर देना। उसके अलावा ट्रैवल ब्लॉग्स भी आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। एंड अभी के लिए हम चलते हैं अपनी आज की लोकेशन पर। गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साक्षी एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द सोल फूड। एंड आज हम आए हैं मुखर्जी नगर में अनलिमिटेड फूड ट्राई करने, चाचा चौधरी एक्सप्रेस बुफे पे, जहाँ से 150 रुपया देगा आपको सेवन डिफरेंट आइटम मिलेंगे, एंड वो भी बिल्कुल शादी वाले खाने की एकदम फील आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक देखना है, एंड सारे टर्म्स एंड कंडीशन में एंड में ही बताऊंगी, तभी तो आप वीडियो एंड तक देखोगे ना। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो। तो आ गए हम अपनी लोकेशन पे, हियर वी गो। ओके, अंदर जाने से पहले एक चीज दिखाते हैं, इधर आओ, आ जाओ, ये देखो चाचा चौधरी एक्सप्रेस बुफे, जितना चाहो उतना खाओ मात्र 150 में। तो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है 150 में। तो पहले हमें यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा, सेल्फ सर्विस है, और पहले टोकन लेंगे फिर हम अंदर जाके देखेंगे क्या क्या है। और अंकल जी हमें टोकन देने वाले हैं। अंकल जी हम वो पेटीएम कर दूँ, अब हम अंदर चल के देखते हैं। अब हम लेते हैं चावल, यहाँ पे देखो ये पुलाव है, और यहाँ पे दो टाइप के चावल है, नॉर्मल चावल और पुलाव। तो हम थोड़े से पुलाव लेंगे। आ रही है ना शादी वाली की। ओके नेक्स्ट हम लेते हैं ये है दाल मखनी। अभी हम जल्दी आए हैं सुबह, तो एकदम गर्मा गर्म फ्रेश अभी बना है, एज यू कैन सी अच्छा लग रहा है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर कढ़ी, बट देख लो अच्छी लग रही है, बट मैं यहाँ पे स्किप करूंगी क्योंकि मुझे कढ़ी इतनी पसंद नहीं है। नेक्स्ट
है छोले, छोले लेकर थोड़े चावल के साथ खाए जैसे कैसे लगे। जैसे मिर्ची और टमाटर एकदम नजर आ रहे हैं इसमें अच्छे से। अब हम लेंगे फेवरेट अपना पनीर, ये है शाही पनीर। और जैसे शादी में करते ना पनीर पनीर ढूंढ लेते, इसमें भी मैं यही करने वाली हूँ। देखो मैं बहुत सारा पनीर और थोड़ी सी ग्रेवी। आप चलते हैं आगे अपनी सैलेड पर। ये हमारा लीस्ट फेवरेट है तो हम थोड़े से और लास्टली हमारा आ गया रायता। ये बन गई हमारी प्लेट। अब आएंगे इसमें नान। नान कहाँ पे? ओके तो इसके साथ में नान भी मिलेगी। कितने टाइप की नान है भैया? तंदूरी लच्छा नान है, बटर नान लच्छा है। तो यहाँ पे बटर नान लच्छा और तंदूरी रोटी है वो हमें मिलेगी टेबल पे ही। तो हम चलते हैं। और भैया ये बताओ एक प्लेट में एक ही खा सकते हैं ना? तो जैसे शादी में होता है ना एक प्लेट में चार जने खा लेते हैं, बट यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पर एक जने में एक ही खाएगा। ठीक है तो अभी हम चलते हैं अपने उस पे। और कितनी बार रिफिल करा सकते हैं? जितनी बार तो आपका पेट ना भरे। हाँ तो जितना मन करे उतना खाओ। और पैसे तो उतने ही है ना, डबल तो नहीं करने ना? ठीक है आ जाओ। ओके तो जब तक हमारी रोटी और तंदूरी लच्छा जो भी हमें खाना है वो आ रहा है, जब तक हम सैनिटाइज कर लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है तो भूलना नहीं है। तो आ गई हमारी पूरी प्लेट एज यू कैन सी, और ये पूरी शादी वाली फील है। और हमारी लच्छा रोटी और पराठे भी आने वाले हैं। दिखाना ज़रा क्या क्या है। हाँ नान है, लच्छा है और तंदूरी है। और देखो कैसे बटर से और एक घी से जो भी लगाया हुआ है वो अच्छे से लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर लेंगे एक लच्छा पराठा या एक और नान और ले लेते हैं, जस्ट दैट। ठीक है ओके तो फाइनली हमारा सारा बुफे आ चुका है। एज यू कैन सी आ रही है ना पूरी शादी वाली फील, सब कुछ है इसमें। मैं इसमें स्पेशली चाउमीन के लिए आई थी, बट आज सैटरडे है और चाउमीन नहीं मिलती है, हर दिन अलग मेन्यू होता है। तो मुझे यहाँ पर आज पास्ता मिले हैं एज यू कैन सी। अब हम इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं। इसमें से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेट्स सी अब कैसा लगता है। हियर गोज़ अ फर्स्ट बाइट। ये एकदम पास्ता एकदम स्ट्रीट स्टाइल लग रहा है और बहुत ही यम लग रहा है। मैं तो उसको दोबारा लेने ही वाली हूँ अभी, बहुत ही यम लग रहा है। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि ये जो स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन होती है ना वही टेस्ट है, बट यहाँ पर चाउमीन की जगह पास्ता है। आई जस्ट लव इट। अब हम टेस्ट करते हैं इसके पुलाव, जिसमें आप देख सकते हो इनफ वेजीज हैं। इसमें आप देख सकते हो कि आपको दिख रहा है शिमला मिर्च है, प्याज है, कैरेट है, बीन्स है। और मुझे इसको दही के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं थोड़ा सा अपना रायता लूँगी। पहले रायता अलग से टेस्ट करते हैं। नाइस बहुत ज़्यादा लिक्विड है लेकिन है अच्छा टेस्ट में। तो हम खाते हैं, रुको बताते हैं। हियर गोज़ द फर्स्ट बाइट। पुलाव आई फाइंड इट ओके बट रायता इज़ नाइस। अब हम चावल के साथ छोले ट्राई करते हैं। छोले भी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, एकदम हरी मिर्च और बड़े बड़े से टमाटर हैं और अदरक भी है। इट लुक्स यम। तो हम चावल के साथ ट्राई करते हैं कैसा है। छोले इज़ नाइस। छोले ना बिल्कुल ऑथेंटिक पंजाबी फ्लेवर वाले लग रहे हैं और इतने यम है, यू मस्ट ट्राई दिस। तो पास्ता और छोले तो पास है मेरी साइड से। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके अब नेक्स्ट ट्राई करने वाले हैं ये लच्छा पराठा। सी हाउ टेम्पटिंग इट लुक्स।
अच्छे से लेयर है और धनिया वनिया और बटर वटर लगा हुआ है। सो अब हम ट्राई करते हैं, किसके साथ ट्राई करें, दाल मखनी भी और पनीर भी है। हाँ जो जिसकी फेवरेट है वो वही बोलेगा सबसे पहले। तो हम दाल मखनी के साथ ट्राई करते हैं। देखो क्रीम भी अच्छे से है इसमें, तो हम इसको लेते हैं अच्छे से। एंड हियर गोज अ फर्स्ट बाइट। मीडियम स्पाइसी है, क्रीमी है और यम लग रही है। थोड़ी सी ठंडी हो गई है ये फोटोग्राफी के चक्कर में। देखो आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, एक सब्सक्राइब कर दो। इतना यम यम खाना दिखा रही हूँ मैं आपको और न्यू ईयर की एकदम सस्ती पार्टी करवा रही हूँ। ओके तो हम एक बाइट लेते हैं। दाल मखनी तो यम है, दाल मखनी एक्चुअली में बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वालिटी लो लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। लच्छा पराठा भी बहुत अच्छा है, मतलब जो टेक्सचर है उसका पूरी प्रॉपर लेयर्स हैं और अच्छा लग रहा है। तो हमारा एक और डिश रह गई है, एक और सब्जी रह गई है बेसिकली। तो हमने उसके लिए लिया नान। नान भी बहुत अच्छी है, बहुत पतली है, ऐसा नहीं कि बहुत मोटी नान है, अच्छी है, पतली है। अब हम इसे ट्राई करते हैं, पनीर दिखाती हूँ। ओके तो हम पनीर देखो कितने अच्छे हैं, पनीर के पीसेस भी बहुत सारे लिए हैं मैंने, स्पेशली लिए जैसे हम शादियों में लेते हैं स्पेशली, अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। तो हम इसे नान के साथ ट्राई करते हैं। ओके हियर गोज अ फर्स्ट बाइट। पूरा पूरा पहाड़ ले लिया है मैंने पनीर का। पनीर की जो ग्रेवी है बहुत अच्छी लग रही है, लिटरल अच्छी लग रही है, बट हल्का सा स्वीट फ्लेवर आ रहा है जो मुझे थोड़ा सा, बट एक्चुअली में बहुत अच्छी है। और जो पनीर है वो भी बहुत सॉफ्ट है। और 150 रुपये में अगर आप काउंट करो तो हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीज़ें हैं, वो भी अनलिमिटेड और वो भी बहुत यम। सिर्फ मुझे थोड़ा सा जो पुलाव है वो डाउन लगा और थोड़ा सा जो पनीर है उसमें जो मीठा सा फ्लेवर आ रहा है वो थोड़ा डाउन लगा। अदरवाइज इट्स सो यम, इट इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। और हर रोज़ ना अलग अलग मेन्यू होते हैं और संडे को तो भाई बहुत ही ज़्यादा मेन्यू होता है, इससे भी ज़्यादा। तो मैं पूरा वो लिस्ट लगा दूँगी, आप जो भी आपका फेवरेट चीज़ हो उसके हिसाब से उस दिन आ जाना। और यहाँ पर देसी घी की जलेबी और रबड़ी भी मिलती है, 4 बजे के बाद ही मिलती है लेकिन, तो आप वो भी ले सकते हो। और विच आई एम नॉट एबल टू ट्राई क्योंकि हम जल्दी आ गए हैं कुछ ज़्यादा ही, तो हम इसका रिव्यू दोबारा कभी आके देंगे, सो स्टे ट्यून्ड। तो मैं इसके टाइमिंग्स हैं यहाँ के, नॉर्मली 7 डेज ओपन है बट बीच में 2 आवर्स का ब्रेक होता है, लाइक 11:30 to 4 चलता है, फिर 6:30 to 10:30 चलता है और संडे को 11 to 11 चलता है, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली विजिट। तो 150 में इतनी अच्छी क्वालिटी मिल रही है प्लस अनलिमिटेड फूड मिल रहा है, इट्स अ वर्थ अ ट्राई, इट्स डेफिनेटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। एंड सो episode 1 ऑफ अनलिमिटेड फूड का जो है ये सक्सेस है और मेरी न्यू ईयर पार्टी तो हो गई है सेट। अब मैं ये पूरा ख़त्म करने वाली हूँ और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है कि मैं नेक्स्ट कहाँ जा सकती हूँ अनलिमिटेड फूड की सीरीज़ में, ठीक है। आपको ये बताना है मुझे एंड वो कमेंट मैं हाईलाइट करूँगी अगर मैं वहाँ पर प्लेस पर गई। सो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड खाते पीते रहो, खुश रहो, बाय बाय।